आपको बता दें कि अब से बस कुछ ही देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई बड़ी बातें कही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि चीन अपनी सीमा में रहे, चीन अपनी हद में रहे। उन्होंने कहा है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति जरूर अपना रहा है, लेकिन हम भी टस से मस होने वाले नहीं है, हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर यह भी कहा है चीन को लेकर कि चीन से अभी भी बातचीत जारी है, लेकिन बेनतीजा, अब तक जितनी भी बातचीत हुई है वो बेनतीजा रही है। भारत अपनी जमीन दूसरे के हाथ में नहीं जाने देगा, हम पूरी तरह से तैयार है। विस्तारवादी एजेंडा वाले किसी भी देश से निपटने की क्षमता भारत में है। साफ तौर पर रक्षा मंत्री ने यह बात कही कि सीमा पर गड़बड़ी फैलाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, जो छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। चीन से सैन्य स्तर की बात आगे भी होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि चूंकि अभी बातचीत हो रही है इसलिए वहां पर, यानी कि LAC पर किस तरह से हमारे सैनिक, हमारे सुरक्षा बल जमे हुए हैं, क्या कुछ हुआ वो अभी विस्तार से नहीं बता सकते। पाकिस्तान पर भी उन्होंने साफ तौर पर हमला किया है, हम सीमा के बाहर भी दुश्मन को मारने में सक्षम है। सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए रक्षा मंत्री, अपने जन्म से ही नापाक हरकतें करता रहा है पाक, ये भी उन्होंने दो टूक कहा है। भारत के जवानों ने हर बार दिया मुंह तोड़ जवाब, क्योंकि पाकिस्तान हर हमेशा सीज़फ़ायर का उल्लंघन करता रहा है। उन्होंने कहा कि जो हमें छेड़ेगा उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। किसान आंदोलन पर भी खुलकर उन्होंने बात की, खेती के बारे में राहुल गांधी से ज्यादा जानता हूं। रक्षा मंत्री ने यह बात कही, किसानों का दर्द हमारा दर्द है, किसान हित में ये तीनों कानून है, हर बिंदु पर, किसी एक बात पर नहीं, हर बिंदु पर बात हो, हां या ना में बातचीत नहीं होनी चाहिए। कुछ ताकतों ने किसानों में भ्रम पैदा करने का काम किया है, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही साथ और जो बड़ी बातें रही हैं, उन्होंने ये भी कहा कि किसानों से ज्यादा किसानों के बारे में हमारा राष्ट्र, हमारा देश हर वक्त फिक्रमंद रहा है, उनके आगे हमारा शीश हमेशा झुकता रहा है। राजनाथ सिंह को बातचीत से नतीजे की भी उम्मीद है। उन्होंने अपनी बातचीत में, अपने इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र किया कि आज जो बातचीत होने वाली है किसानों के साथ, उसमें कुछ ना कुछ सकारात्मक जरूर निकलेगा। और 35 दिन के किसान आंदोलन के बाद आज सरकार किसानों के साथ सातवें दौर की बात कर रही है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नए खेती कानूनों से किसानों की आय बढ़ेगी और उनका भला होगा, इसके बाद भी जरूरी संशोधनों के लिए भी सरकार तैयार है। मोदी सरकार किसानों के खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकती है, उन्होंने आज बातचीत से नतीजा निकलने की भी उम्मीद जताई है। लेकिन चीन को लेकर रक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सर, आपने कहा था कि पाकिस्तान और चाइना जो है एक मिशन मोड पर काम कर रहे हैं बॉर्डर बाउंड्री को, उनके डिस्प्यूट्स को जिंदा रखने के लिए। तो क्या आप समझते हैं कि 2020 में जो हुआ वो एक इन दोनों मुल्कों की मिलीभगत थी, मतलब एक एकतरफा अटैक नहीं था चाइना से, इनकी मिलीभगत थी, जुगलबंदी थी, क्या आप समझते हैं ये हो सकता है? मैं इस संबंध में कुछ प्री एम्प्ट नहीं करना चाहता, और हमारी आंख तो सचमुच बिल्कुल जिसे कहा जाए ना, हमारी नज़र तो बस चिड़िया की एक आंख पर होती है, जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बस चाहे जो भी हो। वैसे हमारी कोशिश यही होती है कि हम सभी के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाएं। डिसएंगेजमेंट डीएस्कलेशन को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो एक किस्म से रुक गई है, अगला डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ है? ये बात सच है कि इंडो और चाइना के बीच जो स्टैंड ऑफ चल रहा था उसे दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा था, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत हो रही थी और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी मिल नहीं पाई है। अगले राउंड की भी बैठक होगी, क्योंकि हाल में ही अभी WMCC यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत दोनों देशों के बीच हुई है, लेकिन मिलिट्री लेवल पर बातचीत अगले राउंड में होने वाली है, वो कभी भी हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। स्टेटस को बना हुआ है, नहीं यथास्थिति बनी हुई है। तो अगर यथास्थिति बनी हुई है उसका मतलब डिप्लॉयमेंट लेवल जो है वो कम नहीं होने वाला हमारी तरफ से? जब यथास्थिति बनी रहेगी स्वाभाविक है डिप्लॉयमेंट कैसे कम होगा, तो डीएस्केलेशन भी नहीं, ना डिप्लॉयमेंट, ना तो डिप्लॉयमेंट हमारा
कम होगा और मैं समझता हूं कि उनका भी डिप्लॉयमेंट कम नहीं होगा। और आपको बता दें कि थोड़ी देर में हमारे तीन संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जितेंद्र बहादुर सिंह जुड़ेंगे, गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल जुड़ेंगे और साथ ही साथ मंजीत नेगी भी होंगे, जो कि बताएंगे रक्षा मंत्री के इन बातों के पीछे क्या वजह है और इन बातों का मतलब दरअसल क्या निकलता है। लेकिन सबसे पहले क्या कुछ कहा है किसानों को लेकर रक्षा मंत्री ने, जरा सुन लेते हैं। चित हो रही है और मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ समाधान उसका निकलेगा, यह मेरा विश्वास और भरोसा है। और मैं हाथ जोड़कर अपने किसान भाइयों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बिल को मैंने भी स्वयं देखा है, कृषि मंत्री भी रह चुका हूं और कृषि जगत की बहुत सारी समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिफ भी हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह किसानों के हित में है। इतना तो मैं ये कह सकता हूं कि राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज़्यादा जानता हूं, क्योंकि किसान माँ की कोख से ही पैदा हुआ हूं। इसलिए जिस माँ की कोख से पैदा हुआ हूं और जिस वर्ग में पैदा हुआ हूं, मैं किसानों के किसान का बेटा हूं, तो कम से कम किसानों के हितों के प्रतिकूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गरीब माँ की कोख से पैदा हुए हैं, बस इतना ही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहना चाहूंगा कि भारत के आंतरिक मामलों में बोलना बंद करें, भारत को किसी को किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, हम लोग आपस में बैठकर समस्याओं का समाधान करेंगे, यह भारत का आंतरिक मामला है। दुनिया के किसी देश को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है, भारत ऐसा वैसा देश नहीं है, जो चाहे वो बोल दे।